हेलो दोस्तों, रमेश म्यूजिक ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद अपने सिंगर राकेश डुडुवे भैया के यहाँ आया हूँ, इनके घर। तो इनसे कुछ बातचीत करते, और ये भी बिजी है, अभी काम चल रहा था मकान का, तो वो भी बिजी थे इसलिए स्टूडियो पे नहीं आ पा रहे थे। तो आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं, और इनका मकान का काम भी चल रहा है तो वो भी बताऊंगा मैं। तो ठीक है, मिलाता हूँ भैया से। हाँ दोस्तों, जय आदिवासी, जय जोहार, सब मारा भाई सका जय राम राम। तो दोस्तों, आज हमारे चा अपना संगीत कलाकार अपना रमेश टोले आई रही है। ये अपना इधर आए थे अपना पवन डावरेन घर। तो इतना गुलाय कि मैं कहा रमेश आई जा यार, अपने घर नौलो मकान बन रहे थे, देख तो जाजे करे। तो दोस्तों, ये पवन डावर से रानीपुरा से, और दोस्तों तुम्हारा सबन आशीर्वाद से आज सब कुछ बढ़िया छे, और सब भाई सवार सपोर्ट करे ऐसा करता रह जो। और दोस्तों, मार घर घर वाले ने बाजी रिया मिस्त्री से कैलाश चौहान, कैलाश हाई कर दे। ये छे रमेश, और ये छे हमरो मार यार यही समझी छे, और ये छे मार फूस एने मार भाष भी लगते ले। तो दोस्तों, हारले पड़ते हैं। हाँ, हारले आओ जो जिला, ये सॉरी जनपद प्रतिनिधि चुनाव लड़ लो, बहुत मामूली वोट से हारी बापड़ो, जीत लो समझ लो, चुनाव में जीत जा सके, हिम्मत है। तो ये तो किस्मत का खेल छे, और भाई रमेश हम आईरी मारे साथ एनी मकान बताड़ से तुम काजे एने ये रे हमारा पुराना मकान, पुराना मकान, ये पुराना मकान है, ये भी खतरनाक है, पूरा पक्का है, ये भी ऐसे कम नहीं है अभी। हाँ, और अभी नया मकान का पूरा अभी दिखाऊंगा मैं। हाँ, नया मकान बताएंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो आने वाले छे, अभी दो ही वीडियो करने चाहिए हम, एक 9 अगस्त जय आदिवासी जय जवाहर जरा काल से हम कम्प्लीट कर देते छे, और अभी डांसर ग्रुप से बात करने काल जानो छे, और बहुत जल्दी करना छे, एक दिन मां कर देसु, और मतलब 2-4 दिन में जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करसु। उसके बाद हम एक श्री राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो से वीडियो याद करसु, जो बरसात सॉन्ग छे कम्प्लीट कर रहा हूँ, और वीडियो के साथ करसु, मजा उसे कर अपलोड नहीं कर, और सब भाई से यही कहता थे कि बहुत दिन से अभी गाने नहीं आए। राकेश डुडुवेन तो भाई में काम में बिजी छे, मकान का काम चल रहा है, साइड बिजनेस भी अपन चलते रहे, ठेकेदारी तो वहां भी मैं बिजी था, इसलिए तुम्हारे बीच में कुछ नया सॉन्ग लाई नहीं पाई। अब बस फ्री हो गई छे, अभी वीडियो करने में छे 9 अगस्त, उसके बाद बारिश में वीडियो आवशे, और सब मारा भाई से हाथ जोड़ी विनती छे, जैसा सपोर्ट करता है ऐसा करता रहो, तुम्हारे लिए मैं वारो से वारो गाने लाते रहे, और अपना आदिवासी भाई का जो मनोरंजन करावत रहे। तो भाई जो भी गलती हुई तो माफ कर जो, एने मारा चैनल का जो लाइक सब्सक्राइबर कर जो, और अपने दोस्तों में शेयर कर जो, और कमेंट करीन बता जो कि कसो वीडियो बनाना चाहे कसो लगे है, वो तो वीडियो देखने के बाद तुम कत चल से। तो बस कल से मैं अपना बस वीडियो की तैयारी में कल से जुटीस, और बहुत जल्दी आपके बीच में कुछ नया वीडियो लाइस, और नई प्रकृति और नई संस्कृति देखा सा 9 अगस्त। तुम्हारा भाई ने बनशा, तुम आकाश से जुड़ी विनती छे, कोशिश जारी रख जो, और बहुत जल्दी तुम्हारे बीच में नयो वीडियो और नयो गानो लाइस में। तो दोस्तों, सभी से आशा करता छे, इन्हें सब तुम आशीर्वाद बनाए रख जो, और ये अपनो रमेश टोले आज हमरे चाहिए पवन डावर ने एरा के हिट गाना गाना गा छे एरो बता एर काल काल हिट गाला छे, बहुत सारा गाना में हिट दे दिले छे, मटका पिल्टी वालो, धीरे धीरे दिवाली, बहुत सारे है। से मार प्रस्तुत करता ये पवन डावर पुरानो, और यार गांव से बस मार जस्ट गांव हाँ। दो गांव ने कुछ पंचायत छे हाँ। रानीपुरा मोरानी काकोड़ तो अलग अलग छे, दो गांव ने एक पंचायत छे, और ये मारो पहलू प्रस्तुत करता छे पवन डावर हेड है कि नहीं, और बस इन्हें मकान बता रहे मकान देखा है कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो तो दोस्तों देखो, ये घर बन रहा है भैया का, नया मकान का काम चल रहा है फिलहाल, ये कालम खड़ा कर दिए है, और छत डालना भी बाकी है, और अंदर का सीन भी दिखाता हूँ मैं। जा रहे क्या कि जा रहे, मिस्त्री है या ठेका वेका सब काम कर रही है ना, जा रहे, इनके घर छुट्टी हो गई, अभी 5:30 बज गई इसलिए। तो ये है, इस तरह से बन रहा है भैया का मकान, और ये भैया की छोटी लड़की है, बोल ये है ना दोस्तों,
हमने यार सिंगर राकेश डुल्वे का घर भी क्या बन रहा है यार, खतरनाक। ये है इधर अंदर ऐसा, अभी सेंटिंग कर दिया, अभी छतनी डाले, 6 कमरे का है। ये है ऐसा है दोस्तों, और इधर से निकलता हूँ मैं पुराने मकान की ओर तरफ। ये बेटे इधर है नहीं, ये पुराना मकान है भैया का। और इधर से भी दिखा देता हूँ मैं, भैया खेत किधर है तुम्हारा, इधर है नहीं? ये इधर भैया का ही खेत है समझ लो, ये सब मक्की वक्की लगा रखी भैया ने। एक काकड़ी भी बहुत सारी है यार, पपीता भी है यहाँ से लेकर वहां तक, ये पूरी है नहीं दोस्तों। कभी तुम भी मौका मिले तो आना भैया के घर, कभी मिलना हो तो आ सकते हो। हाँ भैया बोल रहे बिल्कुल स्वागत है बोल रहे हो उधर है नहीं। और ये इधर से ऐसा है मकान, भैया का नया मकान, अब बनने के बाद ही अच्छा लगेगा। और मैं भी बहुत दिन हो गया था तो जाऊँ यार आज करके, आ गया इनके यहाँ। ये भी स्टूडियो पे आ नहीं रहे थे, चुनाव के सॉन्ग निकाल रहे थे, इसके बाद आए नहीं तो काम चल रहा है इनका, इसलिए नहीं आ पा रहे थे ये। पर अभी 2 वीडियो लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं भैया, तो भैया का वीडियो दोस्तों आएगा तो बिल्कुल सपोर्ट करना है। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही आज का ब्लॉग में, और मिलते हैं अगला ब्लॉग में भाई।